चलिए बात करते हैं पाली की। जिला मुख्यालय पर बीते 3 दिनों से जिले भर में सेवारत पैरा टीचर्स, मदरसा पैरा टीचर्स, शिक्षा कर्मियों ने अपनी विभिन्न मांगों के लिए धरना दिया। आज सैकड़ों की तादाद में इन पैरा टीचर्स, इन मदरसा शिक्षकों ने पाली के प्रभारी मंत्री टीकाराम जूली को ज्ञापन सौंपा। प्रभारी मंत्री से उनकी मांगों पर सरकार का ध्यान आकर्षित कराने का आग्रह किया। ज्ञापन में बताया, सरकार अपने घोषणा पत्र में उनको नियमितीकरण का आश्वासन दिया था, आज दिन तक उनको न तो नियमित किया गया न उनके वेतन में बढ़ोतरी की गई। आपको बता दें, विभिन्न मांगों को लेकर बीते 3 दिनों से यहां शिक्षा कर्मी पैरा टीचर्स अनिश्चितकाल के लिए धरने पर बैठे हैं। ज्ञापन में बताया, अगर सरकार इनकी मांगों पर ध्यान नहीं देती तो जयपुर सचिवालय के बाहर अनिश्चितकाल के लिए धरना प्रदर्शन किया जाएगा। एक साथ 99 से लगा हुआ हूँ मैं तो, और मेरे साथ ही शिक्षा कर्मी हैं वो सूर्या से लगे हुए हैं। आज से 20-35 वर्ष हो गए, हमारे आधे साथी हैं वो रिटायर हो गए हैं और कुछ बच्चे हैं उनकी मतलब अभी जो जायज मांग है जो ऐसा ही है जिसका मानदेय है वो 9,950 है। तो हमारी मांग यही है कि समय रहते ही सरकार हमें इसका ही किया जाए, क्योंकि कांग्रेस सरकार की मैनोफेस्टो में हमारी मांग पैरा टीचर शिक्षा कर्मी मदरसा पैरा टीचर को स्थायी करने का वादा लिखित रूप में किया गया है, उस वायदे को पूरा किया जाए, ये हमारी मांग है। और हमारे प्रदेश संयोजक पिछले 3 दिनों से हम धरना दे रहे हैं। आज जो प्रभारी मंत्री है टीकाराम जी वो यहाँ पर बता रहे हैं, अपने फर्स्ट दौरे के दौरान तो हमने उनका विरोध किया, नारेबाजी करके उनका रोष जताया। रोष जताने का कारण यही है सर कि वो कांग्रेस प्रत्याशी है और सन 2018 के अंदर जो विधानसभा क्षेत्र का चुनाव हुआ उसके अंदर मैनिफेस्टो के अंदर वादा किया गया था कि जितने भी संविदा कर्मी हैं जो हमारे 3 ही कैडर तो और अन्य भी संविदा कर्मी हैं उनको परमानेंट किया जाएगा, नियमितकरण किया जाएगा। लेकिन कांग्रेस सरकार है सत्ता में तो आ गई, सत्ता में आकर अपना चुनावी वादा है वह भूल गई है। तो हम उनको ये याद दिला रहे हैं कि आपके 3 वर्ष पूरे हो चुके हैं, आप अपना वादा याद करो और हमें अर्जेंट अभी परमानेंट करो, क्योंकि पिछले 1999 से राजीव गांधी पैरा टीचर और मदरसा पैरा टीचर है, वो अपने पद के ऊपर है, पद पर रहते हुए 3rd ग्रेड टीचर के बराबर कार्य कर रहे हैं और जिन टीचर्स को 50,000 रुपये पेमेंट मिलता है उसके तुलना के अंदर केवल हमें मात्र 9,000 रुपये पेमेंट मिल रहा है। उस 9,000 पेमेंट में हमारे घर की जो आवश्यकता है उनकी पूर्ति नहीं हो रही है, हमारे बच्चों का शोषण हो रहा है, हमारे परिवार का शोषण हो रहा है, हमारा शोषण हो रहा है, इससे हमारा दिमाग डाइवर्ट हो गया। हम पूरा तरह से शिक्षा के अंदर है, जिस मन से बच्चों को पढ़ाना चाहिए वो नहीं पढ़ाते हैं, तो भी हम अपनी समस्याओं को सभी को घर पर छोड़ते हुए हमारे से हजारों बच्चों की